नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र सिंह रावत। आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। इस तस्वीर ने चिपको आंदोलन की याद ताज़ा कर दी। ये तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून में डाटकाली से मोंड प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के विरोध में है। 11,000 पेड़ों को इस प्रस्तावित रोड के लिए काटे जाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके विरोध में अब विभिन्न संस्थाएं और संगठन एकजुट हो गए हैं। गांधी जयंती पर इन संगठनों ने चलो मोंड कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने गांधी जयंती पर शनिवार को पेड़ बचाने के लिए हरियाली नहीं तो वोट नहीं आंदोलन शुरू कर दिया। सिटीजन फॉर ग्रीन दून के सचिव हिमांशु ने बताया कि एक तरफ तो सरकार वन्य जीवों के संरक्षण पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पेड़ों को काटकर वन्य जीवों का आशियाना उजाड़ना चाह रही है। सरकार की इस मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 11,000 पेड़ों को काटने और परियोजना के पूरे होने पर सिर्फ 11 मिनट के समय की बचत होगी। संगठनों से जुड़े लोगों ने डाटकाली में हाथों में तख्तियां लेकर और पेड़ों पर चिपक कर पेड़ों के काटे जाने का विरोध किया। संस्थाओं से जुड़े लोगों का कहना है, वनों के बिना पृथ्वी पर जीवन अकल्पनीय है। वन ना केवल हमारी भूमि के लिए फेफड़े का काम करते हैं, बल्कि भूमि की रक्षा एवं पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन के सृजन में भी सहायक होते हैं। लेकिन हम लगातार विकास के लिए वनों का विनाश कर रहे हैं। बादल फटने की घटना, बाढ़, कोरोना जैसी बीमारी प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर इस तरह से वनों का विनाश होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी लोगों के रहने लायक नहीं बचेगी। 2018 में एक RTI में खुलासा हुआ है कि राजधानी दिल्ली में 5 सालों तक हर दिन करीब 8 पेड़ काटे गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 5 सालों में 2016 से 2021 के दौरान राजधानी दिल्ली में कुल 15,090 पेड़ों को विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए काटा गया। इनमें वह पेड़ भी शामिल हैं जिनके निजी तौर पर आम लोगों ने परमिशन ली और राज्य व केंद्र सरकार की एजेंसियां भी शामिल हैं। एक पेड़ से 4 लोगों की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होती है। इन पेड़ों की जगह जो क्षतिपूर्ति पेड़ लगते हैं वह भी कुछ सालों बाद ही ऑक्सीजन देने की स्थिति में आते हैं, क्योंकि उन्हें पेड़ बनने में कुछ सालों का समय लगता है। चलिए, आज के इस एपिसोड में आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।